हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर यासीन। आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो हमारे शिक्षण मंत्री उदय सामंत जी ने अभी अभी फेसबुक पे लाइव आके ये कहा है किस तरह से फाइनल ईयर के एग्जाम्स होने वाले हैं, किस तरह से उनकी प्रिपरेशन के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी है। और बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन ये थे कि हम सर हमारे लिए जो है MCQs का जो है क्वेश्चन बैंक क्या होने वाला है, किस तरह से हमको क्वेश्चन बैंक्स मिलने वाले हैं। तो उसका जवाब उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से दिया है कि उन्होंने कहा था ट्वीट करके पहले 2-3 दिन पहले कि अगले 2 दिनों में जो है आपको क्वेश्चन बैंक्स मिलने वाली है, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि 3 से 4 दिन में आपको क्वेश्चन बैंक्स आपको मिल जाएंगी। जैसे कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट जो है जो मुंबई यूनिवर्सिटी के जो है वाइस चांसलर से की है, डॉक्टर पेडनेकर सर से की है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने जितनी जो है ये कमिटी जो है अरेंज कर दी गई थी क्योंकि ये MCQ पैटर्न की एग्जाम्स लेने के लिए, तो वो उस 13 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के वो हेड थे, तो उसी के चलते उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है, उन्होंने उनसे बात की है कि अगले 3 से 4 दिनों में वो जो है वाइस चांसलर्स अपनी 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 यूनिवर्सिटीज को MCQs की जो है क्वेश्चन बैंक्स देने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर निकल के आई है आज उनके जो है फेसबुक लाइव से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने कहा कि MSBT के जो है वो प्रोसीजर्स है, 11th के एडमिशंस है जो ये किया गया है अभी जो है स्टॉप कर दिया गया है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो लोग इसके ऊपर वर्कआउट करने वाले हैं और उसके चलते जो भी डिसीजन आएगा वो डिसीजन वो आपको बता देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज निकल के आया है कि आपको MCQs के पैटर्न्स की क्वेश्चन बैंक अगले 3 से 4 दिनों में मिलने वाली है। तो आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।